राम राम जी, नमस्ते। और साहब कैसे हो? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। दोस्तों आज है 16 अक्टूबर, सुबह के बज रहे हैं इस समय 7 और आज का ब्लॉग शूट हो रहा है अपना दोहलपुर राजस्थान से। अभी सोनी फिलहाल सुबह नहा धो के फ्रेश एकदम बढ़िया पूजा पाठ करके और अपनी सब्जी बनाने के लिए बैठ चुकी है। यहाँ पर आज सोनी बना रही है भरेमा बैंगन की सब्जी, जो कि हमारे घर में सभी की फेवरेट है। और एक बात यह भी है कि जब लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाई जाए, कौन सी भी सब्जी बनाई जाए लोहे की कढ़ाई में, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, खास करके बैंगन की सब्जी। तो बस अभी हमारी सब्जी बन चुकी है, चाय पी लीजिए। सोनी चाय दे रही है सुबह सुबह मॉर्निंग में सभी के लिए। आज कई दिनों बाद चाय बनी है, थोड़ा मौसम ठंडा था। दोस्तों अब करते हैं हम घर की पुताई। तो अब दिवाली बस आ गई, घर पुतने लग गए तो दिवाली आ गई। अब फटाफट सामान निकालो इसका और जल्दी से इसकी पुताई करते हैं। तो आज काफी काम भी रहेगा। पहले तो ये कमरा में जितना भी सामान रखा हुआ है सबको हम बाहर निकाल कर रख देते हैं इधर टीन की तरफ, और उसके बाद में अपना जो गद्दा है उसको भी लेकर आते हैं जब तक बादल कलर बना रहा है। तो अभी हम बनाते हैं कलर, व्हाइट सीमेंट ही, मतलब व्हाइट सीमेंट लेकर आए हैं तो फिलहाल उसी को घोर लेते हैं और तैयार करते हैं। सोनी व्हाइट सीमेंट में भी वो डाल रही है लील, बोल रही है कि चलो जब होगी पुट्टी जब देखेंगे, जब तक डाली देती है। रख देंगे तो भाई काम चालू होने दो। नील डालते हैं और अभी बस साफ सफाई कर देंगे थोड़ी सी, और ये छत को थोड़ा जराएंगे, सीमेंट वगैरह लगाए उसको हटाएंगे और उसके बाद में इसकी पुताई करते हैं फटाफट से। तुमको वीडियो बनाने रहूंगा सर, ये भी तो मेरा काम है ना। दिवाली आ रही है तो दिवाली में सजावट तो सबको करनी है। और अभी कमरा खाली तो हो गया है, और सबसे पहले तो ये जो छत है ना, तो पुराना पत्थर लगाया था हमने, तो उसकी क्या है ना, जो पहले की सफेदी वगैरह थी वो चिपक रही है और कहीं पे छूट रही है। अगर चिपकी रही तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छूट रही है, चिपक रही तो गड़बड़ करती है, तो इसीलिए ये चौका के ऊपर से बादल अभी वो उसको छुड़ा रहा है पुरानी वाली को। दोस्तों आज देखो सोनी ने जो सब्जी बनाई कितनी गजब की सब्जी बनी है, लोहे की कढ़ाई बनती है ना तो बहुत स्वाद की बनती है। आज ना काम बहुत ज़्यादा पड़ा है, थोड़ा बहुत पुताई भी कर पाएंगे हम बादल के साथ में, जिससे कि कमरा जल्दी से पुत जाए। इसके लिए अभी नहाना धोना तो हमने नहीं किया है, नहाना धोना करेंगे शाम के टाइम। तो अभी हम फिलहाल खाना खाते हैं क्योंकि भूख लग रही है। इस समय टाइम हो गया करीब 11:30 बज चुके हैं, और सोनी ने जो सब्जी बनाई है बहुत ही टेस्टी। आज ये पोते कंप्लीट कर रहा है, कितना भी टाइम लग जाए, फिर दवा लेने जा रहा है। अभी छत पुत गई है, देखो कैसी लग रही है छत। अभी पहली बार पुत रही है तो ऐसी ही लगेगी, जैसी लगेगी ठीक है, उसके बाद पुट्टी वगैरह हो जाएगी। फिलहाल अभी दिवाली और करवा चौथ के लिए सिंगल कोट करवा देते हैं, ऐसे ही हाथ से पोत लेते हैं। आज सोनी का बिस्तर देखो इधर लगा है, ये वाले गेट पे जब गंदो करते ये पर्दा है, फिर दोनों पड़ेगा बाद में। थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा जब ही मैं पुतवाऊंगा, नहीं तो अभी तो बादल तो पोत ही रहा है इसको, बाकी का थोड़ा सा छत रह गया है। हमने पहले ट्राईपॉड मंगाया था ना, वो सेल्फ स्टिक मंगाई थी, वो पूरा अमेजोन की पैकेट एकदम टूटी फूटी निकली थी। तो उसमें क्या था, जो कैमरा लगाने का बोल्ट था वो क्रैक था, प्लास्टिक में जुड़ा हुआ था, क्रैक था, तो इसकी वजह से हमने वो रिप्लेस कर दिया था। अभी दूसरा पार्सल आया है, वो एकदम खुला हुआ आया था, देखो एकदम प्रॉपर पैकिंग में आया है। तो इस तरीके से आता है तो फ्रॉड होने के कम चांस रहते हैं, और अभी ये पूरा प्रॉपर पैकिंग में आया है। अभी इसको हम खोल के देखेंगे कि अब की बार सही निकला है कि नहीं हमारा
जो सेल्फ स्टेक स्टैंड है वो, क्योंकि ब्लॉग वीडियो बनाने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ये वाले सेल्फ स्टेक स्टैंड की। पहले मेरे पे छोटा था, अब की बार मैंने थोड़ा बड़ा मंगाया है जिससे और अच्छी क्वालिटी आ सके वीडियो की। अभी हमारी अम्मा पूछे क्या लेकर आया है, हाँ मैंने कही ना अम्मा पूछे क्या लेकर आया है, स्टैंड हो पहले लेके आए, पहले आए वो ये वो ख़राब नहीं करो, तो दूसरा देगा वो भाई लेगा वो कंपनी वाला वीडियो बनाए वे को। पापा जी सो रहे हैं, मम्मी भी सो रही हैं, अम्मा बैठी हैं। हमारी अम्मा कोई नींद नहीं आती दिन में, मतलब सोती तो है एक दो घंटे सोती है, उसके बाद फिर बैठी रहती है दरवाजे। ले सोनी अनबॉक्सिंग करो इसका थोड़ा। हाँ तेरे लिए गिफ्ट नहीं है, ये वीडियो बनाने का है स्टैंड है। अरे वो खराब नहीं करो बाबा, बुंट सर चिटकोल करो कागज एक तरफ से फाड़ दे भाई, अरे जहाँ फाड़ दे सीख गई ऐसे करो फिर बस निकालो। पहले तो हाँ पढ़ के दिखा, पढ़। तो ये आ गया स्टैंड, अभी इसको खोलो, इसमें अभी सही से निकला है के सामान के नहीं, तो भूखा है फिरे। वो ये वाला टूटा निकला था उसमें पहले वाले में, चलो इसमें तो सही है, ये वाला बोल्ट तो सही है इसमें, और ये वो तो तीन पाए को रखो, अभी तो मंगाओ तूने वो। और इसका यूज कैसे है देखो, इसमें तो मोबाइल लग जाता है, ये ऐसे करके ऐसे हो जाता है, तो इसके अंदर ऐसे मोबाइल लग गया, ये लग गया, और इसको यहाँ से कर दो टाइट, ये हो गया टाइट है ना। अब हम क्या करेंगे, ये से घूम रहा है तो इसको कर दो यहाँ से टाइट, अब ये नहीं घूमेगा इधर उधर, अब इसको ऐसे खींच दो, तो ये देख सकते हो कितना लंबा हो गया, इससे ना आराम से बढ़िया शॉट ले सकेंगे, ड्रोन शॉट भी ले सकेंगे इससे। और बस ऐसे कैमरा चालू करेंगे, ये हो गया कैमरा चालू, ये देखो। हेलो गाइस नमस्कार, और कैसे बढ़िया। अभी इसे ड्रोन शॉट ले लेंगे ऐसे करके, कितना बढ़िया आ रहा है शॉट है ना, अच्छा वीडियो आ रहा है। और अभी बोलो इतना लंबा कैसे बंद करोगे, तो इसमें है ये बटन, इसको दबा के ब्लूटूथ से जोड़ देंगे ना ये रिमोट को, तो यहीं से दबाने से बंद चालू हो जाएगा। अभी इसको फिलहाल रख देते हैं। दूसरा काम क्या है, जैसे हम कहीं पर जा रहे हैं तो इसको साथ में रख के ले जाओ, और इसको यहाँ से ऐसे खोल देंगे, इसको ये लॉक को ऐसे खोलेंगे, बस ऐसे बनाया और ये लग गया स्टैंड, और बस ऐसे बैठ के आराम से वीडियो शूट कर लिया करेंगे। तो आपके लिए मतलब वीडियो परमानेंट आता रहे, अच्छे से अच्छा कंटेंट आता रहे, इसी की कोशिश कर रहे हैं बस, इसीलिए ये मंगाया। ऑनलाइन का मतलब यही है कि एक बार गलत प्रोडक्ट आ गया तो हमने वापस कर दिया, दोबारा से सही आ गया। फांक ले ले, सोनी का काम में लग गई, क्या बनाने जा रही है तो फूला वगैरह सेक रही है, टोकरी वीडियो बना रही है, का जो ना दे टोकरी रख दे चुपचाप। ये लीजिए एक पीस, एक दो दो पीस ले लो, चलो दो दो पीस ले लो, सबके लिए हो जाएंगे। आजा 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 अप्पा खाएंगे आजा, ले एक और, ज्यादा अच्छी लग रही है, कैसा स्वाद आ रहा है, और तब मिलेंगे जब जामे थे बचेंगे, सबने का जाएंगे जब मिलेंगे, और ले अपने पापा दे के आजा, और मानसू को बुला के ला, ले ले हाँ ले 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 ले, मौज कर, स्वाद बता के जा, स्वाद बता के जा, कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है कि ना लग रही है, एकदम बढ़िया। तो चलिए दोस्तों अब हम भी टेस्ट कर लेते हैं और आपको स्वाद भी बताएं। जब ही बच्चे बार बार मांग रहे हैं, इतनी ज्यादा स्वादिष्ट है, आनंद आ गया सच में। तो सोनी ने पोला से कहता है नाश्ता ही खाजे में, सोनी ये क्या साबुदाने, तो ये साबुदाने हैं और ये पोला, तो इस चीज का नाश्ता करवा रही है आज। चार बजे गए, चार बजे हल्का फुल्का ही नाश्ता सही लगता है ना।
चारों तरफ घेसला फैला हुआ पड़ा है, ये देखो। और ये जो हमने व्हाइट सीमेंट गोरा था ना, ये कम नहीं हो सकता है कभी। जो अभी जितना कर रहे हैं, हर बार पानी डालते हैं, उतना का उतना ही हो जाता है, ख़त्म ही नहीं होगा, ये पूरा काम हो जाएगा। स्कूल से आ गया, बढ़िया है। अपना घेसला चारों तरफ फैला हुआ पड़ा है आज तो। और कितना कलर हो गया वो भी दिखाऊं, ये देखो, ये बस थोड़ा सा रह गया है, नीचे नीचे रह गया है, ऊपर का कवर हो गया। चलो थोड़ा बाहर से दिखाऊं, फिर अच्छा लगेगा देखने में। ये देख, रह गए अकेले अब, लो खा लो। हाँ सो है, तुम्हारे का जाएंगे सब, सब ने खा ली, तुम ही रह गए अकेले। अच्छी पल्लवी, कैसी स्वाद है पापा जी, ये बताओ। टेस्टी है, नारियल को है। हाँ नारियल, नारियल काजू, नारियल काजू कोई टेस्ट आया, सभी को बहुत पसंद आई। पता नहीं सोनी की कौन सी शॉपिंग रह गई है, उसके लिए कलेज करके फेंक दिया। जल्दी चलो, जल्दी चलो, और जल्दी का टाइम समझ रहे हो, 5:30 बज रहे हैं इस समय। फिर जाना तो मेरे को इसलिए है, मैंने की दवा भी, दवा जो लेकर आए थे उससे आराम थोड़ा सा और मिला है, लेकिन पूरा आराम नहीं मिला है, पता नहीं क्या हो गया। पहले तो एक ही बार में मिल गया था आराम, अब की बार नहीं मिल पा रहा है। चलो देर मत कर, गाड़ी लेकर ही लेकर आई है, चाबी मेजे में धरी है, चल जल्दी, अब चल चल जल्दी, आवाज जाए मेरे बैठे। हाँ बना ले पोला, खाते चलिए गए हमें, और जल्दी आइयो खा के। और बादल भी आज इसको क्लियर ही करेगा, थोड़ा सा रह गया है बस कमरा का। अभी आ गए हम धौलपुर लेडीज मार्केट में, आज का काम मतलब यहीं पे आने का है लेडीज मार्केट में। यहाँ पे क्या है कि सोनी आई है अपनी शॉपिंग करने के लिए करवा चौथ की, और आप देख सकते हैं कि रात हो रही है इस समय, फिर भी आज लेडीज मार्केट में चकाचक भीड़ है जम के। और अभी आ गए हम घर पे, और ये देखो पुतने के बाद कैसा लग रहा है कमरा। चलो जैसा है अभी थोड़ा ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि हाथ से वैसे ही पोता है ना, तो फिर भी बढ़िया लग रहा है, उजाला सा लग रहा है अब, पहले इतना उजाला सा नहीं दिखता था। दोस्तों ये जो टेसु जैन जी की कहानी है, ये खाटू श्याम बाबा है ना, तो उनसे जुड़ी हुई है। और महाभारत काल से ही ये, जब से ही ये परंपरा चली आ रही है, और हमारे राजस्थान में तो टेसु जैन जी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। आपके यहाँ पे मनाया जाता है कि नहीं, आप प्लीज़ कमेंट करके हमको ज़रूर बताएँ। और टेसु जैन जी के बारे में और भी कुछ जानना है आपको, तो YouTube पे सर्च कीजिए टेसु जैन जी का त्यौहार कैसे क्यों मनाया जाता है, तो वहाँ पे पूरी जानकारी मिल जाएगी। खूब धूमधाम से पटाखे चला रहे हैं, और झगड़ा भी करते हैं आपस में, मेरे पटाखे कम पड़ गए, मैं उसको ज़्यादा दे दिए हैं। और अभी सोनी पाएँ पूज रही है, जो शादी में पाँ पुजाई होती है ना, बस वही गौदान पाएँ पुजाई चल रही है इस समय अभी। और मतलब ये है कि इनकी पूरी शादी नहीं होती है, बस आधी भामर पड़ती हैं, उसी समय से लेके चले जाते हैं, तो टेसु की गर्दन कट जाती है और जैन जी को फोड़ देते हैं। तो जब आप पूरी कहानी जानोगे इनके बारे में, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे त्यौहार क्यों मनाया जाता है ये। और टेसु जैन जी की, इनकी ही शादी के बाद अभी सभी लोगों की जो शादियाँ होती हैं स्टार्ट हो जाती हैं देवठान से, तो इनकी शादी होने के बाद ही
अपन सब लोगों की शादियाँ होना स्टार्ट होती हैं। ये कृष्ण भगवान ने इनको वरदान दिया था। गई आ रही अभी देखो आज लाइट जलाई है सभी। अभी जैन जी को नचाएंगे, घूमो तो घूमे थे और सभी ने खूब मस्ती की, खूब डांस किया। आप सभी को आज का हमारा वीडियो कैसा लगा बताना जरूर दोस्तों। दोस्तों आप सभी को आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही मजेदार नए नए ब्लॉग देखने के लिए। तो मिलते हैं कल आपसे, आज के लिए इतना ही। राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।